डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स में भी हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बात करें तो 7.8 में हम लोग पढ़ रहे हैं। 7.8 एक्सरसाइज बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को नोट्स करते हैं। इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 4 तक और ब्रैकेट में है x प्लस ई के पावर 2x और ब्रैकेट में dx। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोगों का इंटीग्रेशन है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस में है तो ऐड करते हैं, तो 0 से लेकर 4 तक हुआ x dx और प्लस 0 से लेकर 4 तक हुआ हम लोगों का लिमिट और ई के पावर 2x इंटू dx। ठीक है, अब 0 से 4 तक तो लिमिट है, उसके अंदर x है तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बटा में 2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, प्लस अब e के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो e के पावर 2x और डिवाइडेड बाई x का कॉफिशियंट 2 रहता है, x का गुणांक 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया और लिमिट इसका भी कितना, 0 से 4। अब हम लोग सीखे हैं कि अपर लिमिट के जगह पे सबसे पहले x का वैल्यू अपर लिमिट रखते हैं, तो इस x के जगह पे रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस x के जगह पे रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर बट्टा में 2। ठीक है, इस तरीके से, और प्लस यहाँ e के पावर 2x है तो x के जगह पे रखेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर 8/2 माइनस e के पावर, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो e के पावर 0/2। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 में 2 से भागा करेंगे तो 8 माइनस 0 में 2 से भाग, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 0 प्लस e के पावर 8, तो e के पावर 8 को हम लोग e के पावर 8 ही लिख देंगे बाय में 2 माइनस, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू तो होता है 1, तो यहाँ रख देंगे 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ 8 में से 0 गया तो बचेगा कितना, 8 प्लस e के पावर 8/2 और माइनस 1/2। तो ये तो अलग जात का है तो इसको ऐसे ही का वैसे ही छोड़ देंगे, e के पावर 8/2 और 8 में से 1/2 को अगर घटाएंगे तो प्लस में आएगा 15/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ e के पावर 8 और प्लस 15, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भी बहुत इजी था। फिलहाल हम बात कर ले तो एक बात आपको समझना चाहिए कि जो एक्सरसाइज 7.8 में हम लोग पढ़े, आप जानकर आश्चर्य होंगे 7.9 एक्सरसाइज में हम लोगों को कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.9 के लिए कोई थ्योरी नहीं है, जैसे कि आप हम जानते हैं कि हर एक एक्सरसाइज के पहले कुछ ना कुछ थ्योरी हुआ करता है, उसका करने का तरीका होता है, लेकिन इस बार 7.9 के लिए ध्यान से सुनिए, कोई किसी भी तरह का फार्मूला या थ्योरी या कहे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7.8 के बाद 7.9 का। अब आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं जरा, ये रहा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग करके और पुट कर दीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन को हम करके दिखा देते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, -1 से 1 तक और x+1 × dx। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को कोई रूल्स का ज़रूरत नहीं है, अगर कोई अलग रूल्स भी लगेगा यहाँ पे तो हम आपको रूल्स प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन फिलहाल 7.9 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो बिना थ्योरी जाने ही हम लोगों को बनेगा। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर प्लस में है x+1, तो हम लोग इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो यहाँ बनेगा -1 से इंटीग्रेशन 1
और एक्स से डी एक्स इसको तोड़ दिया, प्लस माइनस वन से वन और वन इंटू डी एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बटा में टू। लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, तो माइनस वन से वन। और प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, लेकिन इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो माइनस वन से वन। अब आप बताओ कि एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, अपर लिमिट। अपर लिमिट बोले तो वन, तो एक्स की जगह पे वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर कितना होगा, वन बाई टू। और माइनस करते हैं हमेशा एक्स की जगह पे लोअर लिमिट, यानी कि माइनस वन का स्क्वायर और बटा में टू। प्लस एक्स की जगह पे रखेंगे इस बार ऊपर वाला अपर लिमिट वन, और माइनस करते हैं लोअर लिमिट यानी कि माइनस वन। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो वन बाई टू माइनस, अब माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो वन बाई टू। और प्लस वन और ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस वन। तो कुल मिलाकर ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ टू आंसर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर, हम ये हिंट्स करना चाहते हैं कि अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको अजीब टाइप का दिख रहा है, इसको बनाकर दिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो दो से लेकर तीन तक और वन बाई एक्स डी एक्स। तो टू से थ्री है, टू से थ्री वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि टू से थ्री है, तो सबसे पहले वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन बाई इंटीग्रेशन एक्स का होता है लॉग एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो टू से लेकर थ्री तक, ठीक है। अब इसको हम लोग अपर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, लॉग थ्री माइनस लॉग लोअर लिमिट टू। अब इसको हम लोग लॉग का फार्मूला जानते हैं ना, कि लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाई एन, तो इसको लिख दिया लॉग थ्री बाई टू। इतना भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का बेहिचक बेधड़क बनेगा बिना फार्मूला यूज किए। इसको भी क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन में लिमिट है वन से टू तक, अलग अलग सबको तोड़ लीजिएगा, बाद में लिमिट रख दीजिएगा। अब साइन टू एक्स का तो जानते हैं ना भाई, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन करके साइन टू एक्स का क्या होगा, तो माइनस कोस टू एक्स बटा में टू, क्योंकि एक्स का कॉफिशियंट टू है तो टू से डिवाइड कर देते हैं। और अपर लिमिट पाई बाई फोर रख दीजिएगा एक्स के जगह पे, और जीरो घटा दीजिएगा। उसी तरीके से ए भी क्वेश्चन, सिक्स नंबर भी क्वेश्चन, अच्छा टेन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स का भी होता है लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो ये भी फार्मूला पे है। तो कुल मिलाकर इसको इंटीग्रेशन कर देना है। तो कुल मिलाकर आपको जो है एट तक के क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई थ्योरी कोई रूल नियम नहीं है, पहले जैसे कर सकते थे उसका उस तरह का रूल्स नियम अपनाना है, और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन से। तो बहुत इजी है, हालांकि क्वेश्चन नंबर नाइन भी आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि डी एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स रख दीजिएगा, और एक्स के जगह पे वन और एक्स के जगह पे जीरो। तो कुल मिलाकर इधर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, एट तक के क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कॉसेक एक्स का होता है लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोसेक्स, शायद इसी टर्म में होता है, या कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स होता है मोड में। तो इस तरीके से देख लीजिएगा कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब आपको सब पीछे लिखवाया गया है कि कोसेक एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स का। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले कर लेना है, तब जाके अपर लिमिट रख के एक्स की जगह पे और लोअर लिमिट को घटा देना है। तो कुल मिलाकर अगर मान लिया जाए कि इसमें फार्मूला भी यूज होगा, तो हम बीच बीच में आपको बता देंगे। हालांकि मुझे इतना उम्मीद है कि इसमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, आप पहले इंटीग्रेशन करने का प्रयास कीजिए, इंटीग्रेशन कर पा लेते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप 7.9 में क्वेश्चन नंबर 8 तक के कंप्लीट करेंगे, और अगले क्लास में 9 से हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप आराम से सॉल्व करें, क्योंकि इंटीग्रेशन ही है यहाँ पे, लिमिट तो बाद में रखना है ना भाई, पहले तो जरूरी है इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन कर लो
और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तक के बनाने का वक्त है आपका, और बाकी हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से। हालांकि जिसका पिछले वाले क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वो ज़रूर वे लोग पूछेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।